एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडिया में है, ये भी गवर्नमेंट के अंदर आती है। देयर वर्क इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द रूरल पीपल रिगार्डिंग देयर हेल्थ एंड हाइजीन। हाँ जी, हाँ, अवेयर करना, इंफॉर्मेशन देना, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसको अवेयर करना, लोगों को पहुंचाना। यस, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मिड डे मील स्कीम? फर्स्ट, रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चा एनरोल हो गया, एडमिशन ले लिया उसने, पर वो रुक नहीं रहा है, फिफ्थ से पहले, टेंथ से पहले उसकी टीसी हो जाती है, वो छोड़ के चले जाता है। रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, RETENTION, रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। स्कूल एजुकेशन में बच्चे को रोकना है, एटलीस्ट चाहे उसका फूड ही दिया जाए, वो लालच की वजह से आ तो रहा है ना। अगर बच्चा स्कूल में आया कुछ तो सीखेगा, ऑब्जेक्टिव ये है। रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एजुकेशन। सेकेंड, इंक्रीज इन एनरोलमेंट्स, इंक्रीज इन एनरोलमेंट्स, इंक्रीज इन एनरोलमेंट्स, इंक्रीज इन एनरोलमेंट्स। तो फैमिलीज विच आर बिलोंग फ्रॉम पुअर सेक्शन, पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड देयर किड्स बिकॉज दे नीड सच किड्स फॉर द अर्निंग्स, दे एंगेज देमसेल्व्स इन अ कंस्ट्रक्शन साइट्स और चाइल्ड लेबर हो रही है, तो उससे एटलीस्ट थ्रू द मिड डे मील पीपल आर प्रोटेक्टेड, स्टूडेंट्स आर प्रोटेक्टेड इन कंट्री। रिटेंशन, देन एनरोलमेंट्स, थर्ड इंप्रूवमेंट्स इन लिटरेसी रेट। हेदे, व्हाट इट मींस लिटरेसी? लिटरेसी मींस व्हाट? जो वो लिटरेसी है, वेरी गुड। कंट्री में गवर्नमेंट वर्क फॉर द सच नंबर ऑफ पीपल विच आर नॉट अर्निंग फॉर द कंट्री, उसको बढ़ाना चाहती है। यस, दिस गर्ल, थर्ड गर्ल, लिटरेसी। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, डू सिंपल अरिथमेटिक एज अ लिटरेट, लिटरेसी, लिटरेसी। एंड एज पर द 2011 सेंसस, the literacy rate in India, it was as a 75%, yani 25% abhi bhi illiterate the. Ab 10 saal ka data fir aayega, fir dikha jayega. Which is the richest district in Punjab? You are living in a Punjab, Gaurav, Raghav. Which is the highest, which district in a Punjab having the highest literacy rate? Louder. Hoshiarpur, correct, very good. Hoshiarpur, 87% people are literate. आप कुछ कह रहे थे गौरव, उसकी बात होगा, अगर इस साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, जो कंडीशन चल रही है, हाँ, उस कारण नहीं हुआ, नहीं तो नॉर्मली 2021 इकोनॉमिक सर्विस कहीं कहीं करते हैं। क्लियर, एजुकेशन क्लियर। नाउ फोर्थ फैक्टर, हेल्थ। आपसे घर से पूछा जाता है कितने लोग प्लस टू पास है, कितने कॉलेज तक गए, यूनिवर्सिटी तक गए, उसके ऊपर बेस वो डाटा एनालाइज किया जाता है। गुशान, यहां प्रॉब्लम ये है, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, गवर्नमेंट स्कूल्स आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। इन पंजाब देयर इज अ कंपल्शन टू रीड पंजाबी। अगर मैं बात करूं, जब मेरी केवी की स्कूलिंग हुई है तब पंजाबी कंपल्शन नहीं थी, मैंने पंजाबी नहीं पढ़ी, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन हो जाए, फिर जो स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेजेस की प्रमोशन है, जो वुड्स डिस्पैच ने कहा था, पढ़ा था लास्ट ईयर, लावण्या जोशी, इन विच ईयर वुड्स डिस्पैच केम टू इंडिया, इन विच ईयर? एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी थी जो पहली लगी थी इंडिया के में, ब्रिटिश एज में, वुड्स डिस्पैच किस ईयर में आया था?
उसने जो रिकमेंडेशन दी थी वो अभी भी फॉलो हो रही है एजुकेशन में, मानवीत बेदी, देन हर्षिता बेदी, यस 1854, हेल्थ 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 इज व्हाट, व्हाट इट मींस हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ तो कहा, फिफ्थ गर्ल सेंट्रल रो, फिफ्थ गर्ल विथ हेल्थ मींस व्हाट अकॉर्डिंग टू यू अर्पिता, अकॉर्डिंग टू अर्पिता हेल्थ इज अ, वेट लिसन नथिंग, हेल्थ मींस नथिंग, न्यूअर कंसेप्ट, यस वेरी गुड वेरी गुड, फ्री फ्रॉम एनी इलनेस, ओके सोशल एंड मेंटल वेलबींग, वेरी गुड, यस प्रभजोत, efficiency, Anshya, number of definitions given by them, I need one sentence, repeat it again, repeat it, sit down, thank you, health doesn't means, health doesn't mean physical fitness, very good Tushar, it doesn't mean physical fitness, it indicates, health indicates social mental, as Tushar said, social mental and physical well-being of an individual, the person which is a physically fit, freed from the illness, yahi aapne kaha, freed from illness, Tushar ne kaha mentally and socially sound, सोशली उसको रहना आता है, लोगों के साथ घुल मिल के रहता है, सेकंड इज मेंटली साउंड स्टेबल, मेंटली रिटार्डेड नहीं है, क्लियर हर्षित, मेंटली सोशली एंड फिजिकली वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ हेल्थ, इज हेल्थ, नो इकोनॉमिकली नहीं है, फिर तो जो फिर तो गरीब है वो अनहेल्दी है इंडिया में, नो, इफ अ पर्सन नॉट हैविंग द रिसोर्सेज, not having the resources, for such kind of people government has targeted the schemes, number of schemes, agar aap aise kahenge to civil hospitals ka bhi kaam hi nahi karenge, poorest economic background has not the indicator for the checking the health status of an individual, sorry individual, phir jo construction workers hain, construction worker it has doing a more number of the hours, it is a physically strong comparatively a person which has doing the work in office, हाँ वो एसी में रह रहा है पर उसको डिजीज इतनी सारी हुई है, पर वो दूसरी और कंस्ट्रक्शन वर्कर है, इट्स अ फिजिकली फिट, आप ये नहीं कह सकते इकोनॉमिकली बैकग्राउंड, सो फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, मानवीत, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ हेल्थ, हेल्थ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जस्ट लिसन, at the time of the independence our total population is about 35 crores, so since last 70 years total India's population 95 crores increased pichle 70 saal mein, so haan ji kuch keh rahe, yes high growth in population is due to the large size of families, the high growth of population in India, it's due to the large size of families, large size of families, at the time of independence infant mortality rate
इन्फेंट INFANT इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट डेथ रेट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हाँ जी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट विच मीन्स डेथ ऑफ चाइल्ड विद इन एज ग्रुप ऑफ वन ईयर विद इन एज ऑफ वन ईयर एंड टोटल डेथ रेट इट वॉज हायर एज सिमिलर टू बर्थ रेट अगर बर्थ ज्यादा हो रही थी तो डेथ भी ज्यादा हो रही थी एज सिमिलर टू बर्थ रेट अब कारण क्या था नॉर्मली इन अ फैमिलीज 7 to 10 किड्स दीज वर जनरली फाउंड इन ऑल द फैमिलीज आउट ऑफ द 10 किड्स ओनली रियरली 2 or 1 किड इट वॉज देयर विच क्रॉस द एज ऑफ 30 ईयर्स पहले पेरेंट्स दीज वर अनेबल टू प्रोवाइड एज अ बेटर सर्विसेज टू देयर बेटर फैसिलिटीज टू देयर चिल्ड्रन ठीक है ना प्रॉपर फूड नहीं मिलता था इकोनॉमिकली पुअर पीपल they were not provided as a quality education to their kids but in presently where the smaller size of families make possibilities to provide a better facilities to their kids that's why the total number of death rate among the 0 to 20 or 30 years it's decreasing now in present day it's due to the improvements in health facilities For improvements in health, Government of India, it initiated a number of programs. First, Anganwadis, Asha workers kaha jata hai ne. Aap ambulance kahan se le aaye beech mein? Anganwadis or Asha workers. They are responsible to facilitate rural people regarding various government schemes. Kal karenge.